Hey guys, welcome back to our YouTube channel Mr. and Mrs. Prashun. तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। तो ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ वो चीज़ जो शांति दीदी ने मेरे लिए भेजा है और मैंने तो ऐसे देख चुकी, सोचा आप लोग से भी दिखा दूँ कि वो प्यारा सा गिफ्ट क्या है। एंड इनके लिए ही मैं तब से इंतज़ार कर रही थी कि ये आएंगे, उसके बाद साथ ही करेंगे शूट, वरना मैं कब तक ये ब्लॉग ला चुकी होती। क्योंकि अभी बर्थडे भी था हमारे घर में बाबू का, तो वो भी हम लोग सेलिब्रेट करने लगे अच्छे से। हाँ। तो ये आ गया, तो अभी हम दिखाते हैं कि शांति दीदी ने इतना प्यार से क्या भेजा था। ये गई नहीं थी फिर भी इसके लिए गिफ्ट आया, समझ रहे हो वैल्यू, ये है निशा प्रसून का वैल्यू। नहीं वो ऐसे ही बहुत प्यार करती है हम सबको, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ना जब पहली बार मिले थे तभी से उनसे एक टच वुड एक ऐसा लगाव है, एक ऐसा रिश्ता बना है जो उमन बहुत कम। हम लोग अभी कहें ना कि 70 प्लस क्रिएटर से मिले हैं, बट उसमें सिर्फ 8-10 ही हैं जिनसे हमारी वाइब मैच करती है, जिनके साथ वो अपनापन है कि अगर मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वीडियो बनाने के लिए मिल रहे हैं, व्हाटएवर, वो एक अलग चीज़ है। बट वो टच वुड एक ऐसा रिलेशन बन गया ना उनसे कि जो मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बता नहीं सकते क्या। हाँ, तो बहुत मतलब उनको मिलते हैं तो अभी प्रिया दीदी के घर पे उनसे सेकंड टाइम के लिए मिले हुए थे हम लोग, तो उनको मैंने यही चीज़ बताया और कि ऐसे लगता है जैसे बड़ी दीदी हो, अच्छा लगता है। पता नहीं बड़ी दीदी हो ही आप। हाँ। और वैसे तो इनसे बातचीत बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब ना के बराबर, आप लोग समझ रहे हो। हाँ, ना के बराबर। बट पता है वो चीज़ होता है जो किसी से एक ऐसा कनेक्शन अंदर से बन जाता है ना, अमूमन आपके भी लाइफ में कभी किसी ना किसी ऐसा बन जाता होगा कि शायद बात भी कम हो लेकिन उस लोगों से ऐसे लगाव होता है ना, जैसे अपने, जैसे बहुत अपने, मतलब मैं बता नहीं सकता। मतलब ऐसा बहुत ऐसे क्रिएटर, बट उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा था ना कि जैसे वो ना हमारे परिवार का ही एक हिस्सा, हमारे अपने परिवार का। और मैं जाने वाली थी बट नहीं जा पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन था गोलू से मिलने का, प्रियंका से मिलने का, इनको बहुत ज़्यादा मन था। और हाँ, इनके घर पे मुझे बहुत जाने का भी मन है, मतलब हम लोग ऐसे भी बहुत बातें करते थे कि चला जाएगा, बट चांस मिला बट जा भी नहीं पाया क्योंकि अभी भी अब तो पूरे छपरा में ही पानी घुस चुका है, अब तो और पॉसिबल नहीं था जाना तुम्हारा। अभी तो होगा भी नहीं अभी क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, फिर हमारे घर में शादी भी है तो इसीलिए। और अगले ब्लॉग में हम लोग डेट रिवील कर रहे हैं शादी का, सारा कुछ आपको बता दें क्योंकि डेट आ चुका है, तो अब इस ब्लॉग में तो नहीं बताएंगे लेकिन अगले ब्लॉग में आपको बताएंगे, जरूर देखिएगा अगला ब्लॉग। और सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर गए तो नए तो कोई ऐसे क्रिएटर नहीं थे कि जिनसे मिलने के बाद कुछ उस तरह का अंदर से एक्साइटमेंट हो, बट हाँ हमारी प्यारी दीदी जाते जाते हमें सबसे पहले, मतलब भाई जो वेलकम हुआ ना बहुत बहुत अच्छे से, मैं देख रही थी वीडियोस, दीदी ने वेलकम किया बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। और दोनों बहनें भाई, मैं अंदर से भी नहीं किया, मेरी वीडियोस में देखना वहाँ एक ही जिक्र था, तितली कहाँ गई, मतलब वो लोग एक्स्ट्रा माला लेके आए थे कि तितली भी मेरे साथ, मेरे को तितली को नहीं लेके आया, शॉक्ड हो गए, मतलब उनकी तितली आएगी तो पहनाइएगा, वो लोग ना उनकी थोड़ी खुशी ना पानी फिर गया सच बताऊं तो। हाँ, बट मैंने बोला मुझे ही देख के खुश हो जाओ कि मैं आ गया हूँ इतना मेहनत से, मतलब काफी पहन ले थी तितली का ही मारा नहीं, बट वो प्यार दिखता था उनके नज़रों में। और कोई नहीं दीदी, मैं लेके आऊँगा एक दिन, बट मैंने बोला कि अभी बाबू का एग्जाम चल रहा है, 2-3 दिन में एग्जाम खत्म हो जाए तो आप आइए छपड़ा आ जाइए, मैं आपको रिसीव कर लूँगा। अच्छा, लेके आऊँगा, इधर घुमाऊँगा मस्त। तो ये सारी चीज़ें थी, बट ऑलमोस्ट जब हम इन किए तो अंदर जाने के बाद पता चला कि भैया सृष्टि दीदी, अभी मैं एक्चुअली ना पता है गर्मी लग रही थी मुझे स्कूल से, एकदम मैं नींद में ही हूँ, मैं वो ये आते थे कह रही नहीं ब्लॉग शूट कीजिए, दीदी का मैंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग किया है कि मुझे उसमें मेरे को साड़ी अच्छा लग रहा है, मेरे को फॉल्स लगाना है, मैं पहन के उनको भेजूंगी, तो मैं बोला भाई इस चक्कर में तो मतलब भाई तृप्ति दीदी निकल गई, सृष्टि दीदी देखी तो गरीबों करेगी, कहेगी सर तो हमारा नाम भूल गया, बट कोई नहीं, पता सृष्टि दीदी मिली। और जब वो मिलती है तो भैया एक तो मैं पहले जहाँ जाता हूँ ना माहौल बन जाता है शोर शराबा ऑटोमेटिक, अगर मैं बैठा हूँ तो आप समझ जाइए कि शोर शराबा होना शुरू हो गया। और वो मेरी ही पार्टनर है, वो भी जा रहा है कि फिर शोर शराबा फिर खतरनाक, उनका तो आवाज़ ऐसी भैया लगता है कि ट्रिगर से गोली निकला हुआ वैसा है, तो वैसे ही एकदम खतरनाक वाला मस्ती मजाक चला। यही से मिले फिर नहाए धोए रेडी हो गए, पार्टी चला, पार्टी में ऑलमोस्ट 2 लोगों से जो मैं मिला बहुत ही अच्छे थे, एक बबीता जी थी जिनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मिस वाराणसी थी और
एक विकास भाई थे जिनका लुक मुझे बहुत पसंद आया और वो मॉडल कोरियोग्राफर है, बहुत अच्छा है। निशा भी देखी उनको, तो कैसा लगा तुमको लुक? तो भाई मेरे को, मैं सब पर्सनली आपसे, अगर आप देखोगे इस ब्लॉग को तो ज़रूर देखना, मैं पर्सनली आपसे आके थोड़ा बहुत, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल ना, पहले मेरी कुछ और थी 2014 के पहले, और अभी कुछ और हो गई है यहाँ के, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा अपने आप को ग्रूमिंग करना चाहता हूँ। टीनेज में सब उड़ते हैं, सबके पंख लगते हैं। नहीं, मैं तो थोड़ा सा, मैं वही वाला स्वैग में आऊँगा भाई, पहले वाला मैं आपसे मिलूँगा। बट टच वुड गाइस, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी हैं ये, और बहुत अच्छा लगा, मतलब आपसे मिल के कसम से बताऊँ ना, एक पल के लिए वो वाला वाइब मैच कर गया, समझ में आ गया ना, जब पॉजिटिव जो एक होता है ना, अपनापन वाला बहुत ज़्यादा। तो बहुत लव यू आपको ढेर सारा, और हाँ सच में लव यू। ये चलिए ना दिखाया जाए, गिफ्ट दिखा दो, बहुत बातें हो गई। सबसे पहले तो भाई ये गिफ्ट, ये गिफ्ट जो है ना, ये गिफ्ट मैं, मतलब ये गिफ्ट है, पहला गिफ्ट ये है, और इस पे जो जिसने भी लिखा है, या तो गोलू ने लिखा है, या प्रियंका ने लिखा है, या उनकी बेटी ने लिखा है, मतलब हमारी प्यारी भांजी ने लिखा है, ये तीनों में से जिसका भी राइटिंग है, राइटिंग बहुत अच्छा है। भाई टीचर हूँ प्रोफेशनली, तो ये चीज़ें समझ सकते हो आप। शांति एंड फैमिली, बहुत अच्छा है ये। तो ये है पुडिंग सेट, ये मिला है पुडिंग सेट, दिखाते हैं हम आपको। तितली इस पे तो चढ़ के पता नहीं नाच रही थी, बक मेरी बेटी जो है ना, मेरी बेटी ने बहुत बहुत बचा है कि नहीं बचा, मैंने मैं इसको दो तीन लपड़ लगा, बच गया यार, बच गया इसके ऊपर चढ़ के नाच रही थी। ये पुडिंग सेट बहुत ही प्यारा है, प्यारा सा पुडिंग सेट, देख लीजिए आप। हारे खाली फाड़ना ही फिरा में रहती है, इसको अनबॉक्सिंग करने में इतना मजा आता है। जब नए घर में शिफ्ट करेंगे ना, आधा चीज फेंक देना, मतलब तब हो जाएगा कि आधा चीज यहाँ रखेंगे, आधा चीज वहाँ रखेंगे। बट है बहुत प्यारा, छह छोटे छोटे बॉल है, एक बड़ा सा बॉल है, एक स्पून भी है, इसके साथ कवर भी है, इसमें खीर वगैरह बना के मस्त खिलाएंगे, दीदी को आएंगे उन्हीं को खिलाया, कहने की इसका अनबॉक्सिंग आप कीजिए। खोल के दिखाई, तो बहुत अच्छा है ये गिफ्ट हमारा। ये तोड़ दिया, ये वाला, ये वाला तोड़ दी। चलो भाई, मेरी बेटी से अगर बच जाए ना कोई चीज, मैं बता नहीं, तो मेरा आईफोन का मैं क्या बोलूँ, देख रहा हूँ ना, तो मेरे को, मैं तो जल्दी जल्दी जाना था, राहुल भाई के घर पे चला गया, आईफोन का उस शीशा तो फोड़ ही दिए एकदम, टच उसका फूट गया। चलिए वो वाला दिखाई, सारी दिखा देते, सारी तुम ही दिखा भाई, वो मैं क्यों सारी छू, तुम्हारा तुम्हारे लिए गिफ्ट आया, मैं क्यों छू आपको, क्यों नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, हुआ क्या था, डीजे ने दिखाया कुछ एक, हाँ कुछ एक्सपेक्टेशन, मतलब मेल्स लोगों के भी, जो मेल थे ना उनको भी मिला था, बट मैंने दीदी को बोला कि अब मुझे सुबह सुबह निकलना था, और बहुत ये थी कि भाई मैं आपको कुछ नहीं दूंगी, मैंने बोला बस आपका प्यार चाहिए यार, और इतना मिला काफ़ी है, तुमको मिल गया देखो बिना गए। दीदी ने दिया था, हालांकि आप लोग ने ब्लॉग में हमको लग रहा देख लिया होगा, हाँ? क्योंकि कलर वाला, क्योंकि ट्रांसपेरेंट इसका प्लास्टिक था ना, बट ये बहुत प्यारा है, साड़ी बहुत खूबसूरत, कलर बहुत अच्छा, जामुनी टाइप का कलर है। इस रंग कलर का मेरे पास साड़ी नहीं था, एक हो गया अच्छा, समझ रहे हो, इस कलर का साड़ी नहीं था, औरतों को हर मैचिंग टेस्ट वाला साड़ी चाहिए, मैचिंग हर कलर का डिफरेंट। अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, शादी सीजन भी है, दुर्गा पूजा में एक दिन पहन के पूजा कर लेना, पूजा में भी अच्छा लगेगा क्या, और बिल्कुल सॉफ्ट है, ये नहीं कि पहले से चुभे उपेगा, तो आराम से पहन के पूजा पाठ में बैठ सकते हैं, कर सकते हैं। बट ऑन कैमरा एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कभी कभी कमेंट्स करते हैं जीजू को लेके, शांति दीदी का जो हस्बैंड है, बट कसम से मैं बताऊँ वो बोलते नहीं हैं, बट वो इतने डिसेंट पर्सनैलिटी है ना, हम लोग जब मिले उनसे और जब उनसे बात किए, मतलब वो चीज़ें तो ऑफ कैमरा थी बहुत सारी चीज़ें, बट भाई कहते हैं ना, क्या कहूँ मैं, मेरे पास तो स्पीचलेस हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट हैट्स ऑफ सर, मतलब कमाल के आदमी हैं, मतलब उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, समझ में आ रहा है तुमको, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में तीन चार, और मतलब टचवुड मैं क्या बताऊँ, उनसे मिल के बहुत अच्छा मतलब इन्वायरमेंट बना था, हम लोगों ने काफ़ी देर बात किया, वो मेरे लिए उठे भी थे सुबह, फिर मैंने बोला भैया जी आइएगा अमनौर का, बोले आएंगे आएंगे, अब अमनौर पहले वो शॉक्ड हो गए थे, अब अमनौर से स्कूटी से चले, मैंने बोला हाँ चला आया था मैं स्कूटी से, उनका आपका प्यार था, मैंने बोला कि देखो हमको बोलते हैं इंटरनेशनल जीजू, आप हमारे जीजू, समझ रहे हो आपका अहदा कितना बड़ा हो गया, मुस्कुरा रहे थे, बट बहुत मस्त आदमी है, डांस नहीं कर रहे थे, उनको जबरदस्ती ले जाकर शांति दीदी के साथ मैंने डांस करवाया, यार कर लो यार, बिटिया की बर्थडे है, और बिटिया तो बहुत प्यारी है हमारी, बहुत प्यारी, ये बहुत ज़्यादा
टच वो फीलिंग आती है, वो कहती है कितनी प्यारी लगती है, मैंने बोला हाँ वो बहुत प्यारी, वो बोलती भी दीदी जैसी है, दीदी का तो वॉइस है ना, मतलब मेरे को लगता है शांति दीदी का वॉइस अगर मुझे अगर नींद नहीं आ रहा होगा ना तो उसको कह दे, तो बोलती रहे, वो बोलती रहे मैं सो जाऊंगा, हालांकि जब वो बोलती तो मैं जग के सुन ही रहता हूं, हम लोग बातें कर रहे थे, 4 बज के सुबह सुबह हो गए थे, सब चले गए मैं ही बचा था, सुबह के 4 बज गए थे, खूब मस्ती मजाक, बहुत सारी बातें एकदम दिल खोल के बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलके। और इंसान सच बताओ तो प्यार का ही भूखा होता है, और जहाँ उसे प्यार मिलता है ना, आप पूछ रहे थे मेरे से कि कैसा लगा, मतलब ये वो, जिस सच बताओ दीदी तो ये यहाँ वाला ना कनेक्शन है आपसे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यवस्था कितना है नहीं है, बट आपके यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा था। एक चीज़ और मज़ा आया, गुलाब जामुन तो मैं मीठा नहीं खाया, कसम से मैं बताऊँ तो, वहाँ पर मैं मीठा खाया ही क्योंकि मैं नहीं खाता मीठा, बट मैं यहाँ आया आते थे डब्बा से खोल के, मैं और भी चीज़ें थी इसमें, एक बिंदी था और मिठाई का डब्बा ये खा गई, बिंदी और सिंदूर वगैरह ये सब था, सब छीट छाट कर दी वो आते ये, आते ये, इस ये क्या की थी, मिठाई जो खाई और खा के पता क्या बोली, बाबू मिठाई तो बहुत अच्छा था कहाँ से लाए, बोली यार दीदी दी है, बोली थी कि घर पे बनवाए, घर पे बनाई थी पता नहीं शायद खुद से बनाई थी, तो जब मैं वो मिठाई सच में जब बोली कि बहुत अच्छा है क्यों ऐसा तारीफ करी, तो तब जाके मैंने एक खाया मिठाई, तो मेरे को वाकई लगा कि भाई साहब बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और गोलू और प्रियंका के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, वो तो खैर दोनों दीदी के हाथ पांव है, बहुत अच्छा लगता है दोनों को देख के, बहुत मेहनत की है दोनों का, टच वुड, तो लव यू ऑल द फैमिली ऑफ शांति दीदी, एंड बहुत जल्द मिलेंगे, और आप सबका मेरा ब्लॉग ही देख रहे हैं आप ना, तो एकदम आपका वेलकम है, आप जब दिल कर ना आप आ सकते हो, हमारे दरवाजे 24/7 दिन रात सुबह साँझ भोर दोपहरिया सब खुले हैं, जब आपको आना है आप आ जाए, जब मन करे तब आ जाएगा, खाली छबरा पहुंच जाएगा बा, नज़दीक तो हुई बा, पहुँच खाली कभी भाई आई बे आगल बनी, बस आधा घंटा 40 मिनट में हम पहुँच जाए लेके चला, 40 मिनट लगता है मेरे घर से, तो बहुत मज़ा आया। और हम जिस पार्टी में जाएंगे वो पार्टी अहदा बढ़ जाता है, अपनी बड़ाई कर रहे समझ रहे हो, क्यों क्योंकि हम आग लगाते हैं, आग माहौल बनाते हैं, वो आग नहीं लड़ाई झगड़ा वाला आग नहीं समझना, माहौल बना पूरा एकदम जम के डांस हुआ, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखा ही, बट ये मैं अनबॉक्सिंग बना तो मैं एक दो दिन पहले बनाया था, बट जिस दिन आए उस दिन हमारे घर में भी बिटिया का एक फंक्शन था, क्या बर्थडे था तो फिर उसी में लग गए, और 200 किलोमीटर 20 घंटे के अंदर चलाने के बाद आदमी का हालत क्या होता है ये मैं जानता हूँ, क्या ब्रजेश बाबू, ब्रजेश कह रहे भैया हम तो दवाई खा के सोए हैं, तो चलो यही सब चीज़ें थी, बट बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच दीदी आपने इन्वाइट किया इस चीज़ के लिए, बहुत दिली इच्छा थी मिलने की इच्छा थी, हम लोग ऑफ टाइम कह रहे हैं, मतलब बिना फंक्शन के भी जाना चाहते थे मैं और निशा, बहुत दिली इच्छा थी कि यार 2.5 घंटे का है समय, छपरा से चले जाएंगे फिर मिल के चले आएंगे, बट देखते हैं अभी माता रानी करे बहुत जल्दी जाएँ और मिलने आए, हो सकता है बनारस की तरफ जाते हैं तो पक्का आएंगे मिलने, चलिए इसी के साथ कुछ और कहना है क्या? नहीं, थैंक यू सो मच एंड लव यू शांति दी, बाय बाय, मेरी प्यारी भांजी को भी खूब सारा ब्लेसिंग, खूब सारा प्यार, मस्त जम के पढ़ो, नाम रोशन करो, कभी भी दिक्कत हो थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में भी नॉलेज है, फायदा उठा सकती हो, ठीक है, बाय बाय।